सुषमा पांडे का रुख करते हैं। सुषमा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि देखिए पूरा दिन आज यही सिलसिला चलने वाला है और एक एक करके वो नाम सामने आएंगे और खासतौर पर फोकस राजस्थान के नामों को लेकर है कि आखिर किसे राजस्थान से जगह मिलती है मोदी मंत्रिमंडल पार्ट टू में। और ऐसे में आपके पास और क्या कुछ अपडेट है इससे लेकर, क्योंकि अभी जानकारी ऐश्वर्य दी कैलाश चौधरी का नाम भी फाइनल है। बिल्कुल, राजस्थान हाउस पर ही हूं मैं यहां पर श्वेता, और अभी कैलाश चौधरी को जब मैंने बात की तो पहले वो डिनाई कर रहे थे कि नहीं कॉल नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से उनके रूम में जो हलचल थी उससे ये तय हो गया था बहुत देर पहले कि शायद उनको कॉल आने वाला है, उनको जानकारी मिल गई है या फिर कॉल आ गया, अभी फिलहाल उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, बाड़मेर जैसलमेर सीट से अगर वो जीतते हैं तो एक बहुत बड़ी जीत होती, क्योंकि वहां पर समीकरण बदले हुए थे, सिटिंग एमपी का टिकट काट करके उतारा गया था उनको बीजेपी की तरफ से, मानवेंद्र सिंह को शिकस्त दी और जाट चेहरे के तौर पर अगर हम देखें तो एक बड़ा चेहरा था। अब यहां पर उनको शिकस्त देने के लिए उनके सामने बेनीवाल भी सामने थे, लेकिन बेनीवाल को साइड किया गया और संघ से नजदीक कैलाश चौधरी को मौका दिया गया। अब देखना यह कि उनको विभाग क्या मिलता है, किस तरीके की जिम्मेदारी मिलती है। दूसरी तरफ बीकानेर की खबर सबसे पहले फोर्स इंडिया ने ब्रेक की थी, वहां पर भी सबसे पहले हम थे, हमने बताया था कि अर्जुन मेघवाल का नाम है और जैसे ही कॉल आया हमने सबसे पहले वो खबर भी ब्रेक की। अर्जुन मेघवाल के लिए क्या फैक्टर्स प्लस रहे वो भी हम आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अहम जिम्मेदारियां संभाली थी, खासतौर पर जीएसटी की हम बात करेंगे जो एक माइलस्टोन साबित हुआ मोदी सरकार के लिए, अर्थव्यवस्था को लेकर जितने कदम उठाए गए और बखूबी उन्होंने साथ दिया अरुण जेटली का, बेहतरीन काम किया। फिर गंगा सफाई की बात की जाए या बाकी योजनाओं की, जो उनके पास जिम्मेदारी थी उन्होंने अच्छे से उन्हें निभाया, उसका रिवॉर्ड यहां पर मिला। और जैसा कि पहले भी हम ये बात कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में परफॉर्मेंस को तरजीह देते हैं, वो बाकी समीकरणों को तो देखते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रेफरेंस उनकी यह होती है कि परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स होने चाहिए, उनकी टीम में सेलेक्टिव लोग होने चाहिए, सेलेक्टेड होनी चाहिए, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की बात जो वो कहते हैं, तो ऐसे में परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये भी हम कह रहे थे कि कुछ अनुभवी चेहरों को मौका दिया जाएगा जिनका पिछला जो कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस रही उसकी बेसिस पर, और कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें कैलाश चौधरी। अभी दो और नामों की चर्चा है श्वेता, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे, जीन सिंह शेखावत के पास फोन आ सकता है ये जानकारी मिल रही, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर भी सबकी निगाह है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान को यहाँ पर कॉल किया जा रहा है या फिर जो शेयरिंग मिल रही है उस पर क्या कुछ सबकी निगाहें हैं, क्या इसके बारे में वो समझते हैं हमारे ब्यूरो चीफ योगेश से। योगेश जी, दो नामों पर मोहर लग गई, हमने बताया था पहले ही कि किस तरीके से कैलाश चौधरी यहाँ पर एक बड़ी जीत मानवेंद्र पर जब दर्ज करके आते हैं जाट चेहरा तो उनकी यहाँ पर चांसेस पूरे हैं। दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल, पिछला परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था खासतौर पर वित्त मंत्रालय को देकर के, जिस तरह के बड़े कदम उठाए गए थे, हार्ड स्टेप्स लिए गए थे और वो एक माइलस्टोन रहा मोदी सरकार के लिए। अब बाकी दो नाम क्या राज्यवर्धन और गजेंद्र ही होंगे? देखिए नाम बढ़ सकते हैं और क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट राजस्थान से मोदी सरकार को मिला है, लेकिन यह ये गणित समझनी होगी। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो वो एक चहेते रहे, नरेंद्र मोदी के चहेते रहे, अमित शाह के चहेते रहे और न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर के एक दलित चेहरे के तौर पर भी उनको ख्याति मिली, और जब जब केंद्रीय नेतृत्व को उनकी जरूरत महसूस हुई उनको वहाँ भेजा गया, जब दंगे हुए वेस्ट बंगाल में तब उस कमेटी के अंदर भी वो शामिल थे जो कमेटी वहाँ पर दौरा करने गई थी, तो एक तरह और सर्वश्रेष्ठ सांसद वो लोकसभा में रहे और संसदीय गुणों के वो जानकार हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है, पढ़ने लिखने वाले सांसद है और बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद बनकर एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो एक तरह से कहा जाए तो अर्जुन मेघवाल का नाम पहले से लगभग सुषमा तय माना जा रहा था और ये और संघ भी इस नाम पर एग्री था और बीजेपी संगठन भी था और मोदी जी और अमित शाह जो काम कराने वाले लोग हैं जिनको उन चेहरों में एक नाम अर्जुन राम मेघवाल का है, वो अरुण जेटली के साथ मिनिस्टर रहे, वो नितिन गडकरी के साथ रहे, अनंत कुमार के साथ वो अटैच रहे और एक तरह से कहा जाए तो एक काफ़ी उनके अंदर योग्यता है कि मंत्रालय संभाल सके। दूसरा बड़ा नाम कैलाश चौधरी, सीधे तौर पर यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि बाड़मेर से कैलाश चौधरी को जो जीत मिली थी वो जीत अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे मानवेंद्र सिंह नहीं हारेंगे, लेकिन उनको हराया, बॉर्डर का एरिया है, राष्ट्रवाद वहाँ चरम पर था रहता उस इलाके के अंदर, मोदी जी खुद प्रचार में गए थे और कैलाश चौधरी के पीछे सबसे बड़ा जो फोर्स रही उनको मंत्री बनाने में, उनको सांसद बनाने के पीछे भी वो रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो एक बड़ा जो फैक्टर रहा
कैलाश चौधरी के पीछे वो आरएसएस का रहा। आरएसएस और विद्यार्थी परिषद और तमाम संघ की शाखा से दीक्षित होकर उस पाठशाला से निकलकर वो विधायक बने, अब सांसद बने और अब मंत्री बन रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए सुषमा तो ये योगेश एक मिनट बाबा बालकनाथ हमारे साथ यहाँ पर उनसे बात करते सर, आज की शपथ के लिए क्या बोलेंगे? बहुत शुभकामना, हमारे देश की नई शुरुआत हो रही है, दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान को शेयरिंग मिले, दो नाम अब तक खुलासा हो चुका है, वो प्रधानमंत्री जी का निर्णय है और अच्छा ही होगा सबके लिए। तो देखिए यहाँ पर अलवर से जो सांसद चुने गए हैं बाबा बालकनाथ वो थे, उनसे हमने बात की, वो कह रहे हैं कि उनको बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस टीम से और पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जिसको भी सेलेक्ट करेंगे अच्छे से सेलेक्ट करेंगे। और जो सिलेक्शन की हम बात भी कर रहे थे योगेश जी, कहा जा रहा था कि अनुभव भी होगा और सुषमा यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। सुषमा, दिल्ली में राजवर्धन सिंह राठौर के आवास के बाहर सहयोगी शिवेंद्र परमार मौजूद है, उनकी उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, अब तक क्या राजवर्धन राठौर के पास कॉल नहीं पहुंची है, क्योंकि अब तक उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि उनका नाम मंत्रिमंडल में होगा? राज्यवर्धन राठौड़ ने अभी फोन उनके पास आया है या नहीं आया है इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। मेरी उनसे बातचीत अभी थोड़ी देर पहले जरूर हुई है, लेकिन इस बारे में उन्होंने साफ नहीं किया श्वेता कि उनके पास फोन आया है या नहीं आया। इसका कारण ये भी है कि वो सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं, एक डेकोरम है उनका कि किस तरह मीडिया को कब ब्रीफ करना है, क्योंकि अधिकतर जो सीनियर मंत्री हैं जो पहले अच्छे पोर्टफोलियो पर रह चुके हैं वो खुद अभी मीडिया को इस तरह की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उनके पास फोन आया है कि नहीं आया है। हाँ, वो निवास पर जरूर है, अभी कुछ देर पहले जो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं राव राजेंद्र सिंह वो अंदर गए थे और वो उनसे अभी मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी इंतजार करना होगा कि राज्यवर्धन राठौड़ कितनी देर में मीडिया को जानकारी देंगे कि उनके पास फोन आया है कि नहीं आया। ये जरूर है कि वो काफी अच्छी तरीके से रेस में है, क्योंकि स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे हैं वो, दो अच्छे विभाग भी उनके पास रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं और सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। हमने देखा है कि किस तरह बीते 5 सालों में वो चर्चित चेहरा बने रहे, चाहे बतौर खेल मंत्री उन्होंने मैं फिट तो इंडिया फिट और खेलो इंडिया की मुहिम चलाई और सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी कई रिफॉर्म उन्होंने किए हैं, इसलिए पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो पेज फंसता हुआ दिख रहा है कि अभी जो दो नाम सामने आए हैं उनमें पूरी तरीके से जाति समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है। एक दलित चेहरा है अर्जुन मेघवाल और दूसरा जाट चेहरे के तौर पर जो कैलाश चौधरी उनका नाम शामिल है। अब अगर एक राजपूत को लिया जाता है तो गजेंद्र शेखावत और राजवर्धन सिंह राठौड़ दोनों ही समान तरीके से रेस में हैं, तो इन दोनों में से क्या किसी एक को ही जगह मिलेगी, क्योंकि एक साथ दो राजपूतों को राजस्थान से पहले चरण में लिया जाए ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति साफ हो पाएगी कि राजवर्धन राठौड़ या गजेंद्र सिंह शेखावत इन दोनों में से एक कौन वो मंत्री है जो आज नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी चौंकाते हुए दोनों को ही शपथ दिलाएंगे। थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन फिलहाल राजवर्धन राठौड़ या उनके आसपास के नजदीक के लोग अभी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनके पास कोई फोन पीएमओ से आया है या नहीं। ठीक है, और शिवेंद्र क्योंकि आप उनके आवास के बाहर मौजूद हैं, क्या कोई हलचल वहां पर नजर आ रही है? हो सकता है अभी वो बताना नहीं चाह रहे हो, लेकिन जब आसपास की सिचुएशन ऐसी नजर आती है तो कई बार चीजें खुद बयां करती है कि कुछ तो हुआ है, क्या ऐसा कुछ वहां पर नजर आ रहा है? आप लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, इस तरह की हलचल तो अभी बिल्कुल नहीं है, सुबह से हम उनके घर के बाहर हैं श्वेता, इक्का दुक्का लोग जरूर उनसे मिलने पहुंचे, अभी एक लोग आए थे वो बुके लेकर भी अंदर आए हैं, लेकिन ये तस्वीर करीब करीब पूरे दिल्ली की है। राजस्थान हाउस की बात अलग है क्योंकि वहां नए सांसद चुनकर पहुंचे तो उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार ट्रेंड टूटा है। अक्सर ऐसा होता है कि मंत्री बनने की सूचना थोड़ी पहले भी मिल जाती है और मंत्री अपने समर्थकों को भी दिल्ली बुला लेते हैं कि आइए हम आज शपथ ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें दिल्ली में आप किसी भी बड़े नेता के घर चले जाइए जो पहले मंत्री रह चुके हैं, सिटिंग एमपी रह चुके हैं, उनके घर के बाहर ऐसा उत्सव जैसा माहौल या जश्न जैसी तस्वीरें दिल्ली में किसी भी सांसद या पूर्व मंत्री के घर पर नहीं है। यही कारण है कि राज्यवर्धन राठौड़ के घर के बाहर भी ऐसा माहौल नहीं लग रहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को बता दिया हो कि मैं मंत्री बनने वाला हूं, और जैसा मैंने कहा उनका एक डेकोरम रहा है, सूचना प्रसारण मंत्री है, तो हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो कि अगर मीडिया को मैं बताऊं तो थोड़ा रुक के बताऊं, या बिल्कुल शिवेंद्र ये भी हो सकता है। और आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शिवेंद्र, सुषमा और योगेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।